ओम शांति। गीता के 14वें अध्याय में सतो रजो और तम इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन है। ये प्रकृति भी तीनों गुणों से गुजरती है और मनुष्य भी। तो बहुत डिटेल वर्णन है कि सतो प्रधान जिसकी स्थिति है उसके गुण और लक्षण क्या होंगे। चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्रता होगी, कर्म श्रेष्ठ होंगे। जो रजो प्रधान वाले वहाँ से विषयों में आसक्ति होने जाएगी, कर्म थोड़ा सा बंधन बांधने लगेंगे, थोड़े रजोगुण से संबंधित विकार आने लगेंगे और तमोगुण में सारी बुराइयाँ। मनुष्य हर बुराई से ग्रस्त, मनोविकारों से ग्रस्त, पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाता है। तीनों की गति क्या होती है देह छोड़ने के बाद उसका भी सुंदर वर्णन है। तो ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भगवत गीता में और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, हम अपनी अंतिम गति अच्छी चाहते हैं, हम अपना नया जीवन, अगला जीवन अच्छा चाहते हैं, तो हमें सत्वगुण का ही आचरण करना चाहिए, हमें श्रेष्ठ होना चाहिए। इस अध्याय में हम सबके काम की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो व्यक्ति आत्मभाव वाला है वही प्रिय अप्रिय में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, सुख दुख में समान रह सकता है। देखिए गीता में ये बात बार बार आ रही है ना, हम भी इसकी चर्चा कर रहे हैं और ये बात बार बार आई है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में समान रहे। लेकिन ये रहे कैसे? केवल चिंतन तो काम नहीं देगा, प्रिय और अप्रिय में भी समान भाव वाला। देखिए कोई हमें प्रिय होता है, हमारे अपने लोग हैं, बच्चे परिवार है, वो हमारे प्रियजन हैं। कुछ थोड़े दूर के हैं जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, थोड़ा सा दूरी रखते हैं, बुराई करते हैं, वो अप्रिय लगते हैं, लेकिन उनमें भी समान भाव। क्या है समान भाव? आत्म भाव, सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान मनुष्य की अनेक समस्याओं को समाप्त करने वाला है। आजकल के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्याएं संसार में बढ़ रही हैं, जो गुप्त हैं, अभी प्रख्यात होने वाली हैं, मानसिक व्याधियां। ज्यादा सोच रहे हैं लोग, एक दूसरे से खुश नहीं है, कोई निराशा के अंधकार में जी रहा है, तो कोई ज्यादा सोच रहा है, तो कोई पास्ट में जी रहा है, किसी ने कुछ बुरी बातें पकड़ के रख ली हैं। ये सब उसको मानसिक रोगी बनाने की ओर चल रही है और बहुत लोग बन चुके हैं, युवक बनते जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार, एंग्जाइटी के शिकार, सिजोफीनिया के शिकार, ओसिड के शिकार। ये नाम है बीमारियों के, इनका अर्थ है मानसिक रोग। तो ये चीजें मनुष्य को मानसिक रोग दे रही है ना, ये मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरी बुराई करता है, ये मेरे मार्ग में रोड़ा डालता है, ये मेरे हैं, तो उनमें मोह रहता है, मनुष्य उनको आगे बढ़ाता है, दूसरों को पीछे हटाता है। ये सभी चीजें अनेक समस्याओं को जन्म दे रही हैं। यदि हमारे अंदर आत्मभाव आ जाता है, सब आत्माएं हैं। देखो भगवान ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, ये संसार एक विशाल नाटक है, इसमें सभी आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर पार्ट बजा रही हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। तो हम ये भाव धारण करें, सब आत्माएं हैं। तो भिन्न भिन्न रूप से जो उल्टे प्रभाव हमारे मन पर छाए हुए हैं उसके प्रभाव से हम बच जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और तीनों जो गुण हैं सतो रजो तमो, उनसे हम ऊपर उठ जाएंगे, यानी सतो प्रधान से भी एक ऊपर की स्थिति का वर्णन किया गया जिसको गुणातीत स्थिति कहते हैं। तीनों गुणों से मनुष्य ऊपर उठ गया है, यानी परमानंद में स्थित हो गया, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया है। इस बात की चर्चा बहुत है, बहुत सारे अध्यायों में, कि परमात्मा के स्वरूप पर तुम स्थित हो जाओ तो परमानंद को प्राप्त करोगे। तो जब मनुष्य को परमानंद मिलने लगता है तो ये छोटी मान सम्मान की बातें,
ये पीछे छूट जाती हैं। कोई मान हमें दे या ना दे, हमें तो परमात्म परमानंद प्राप्त हो रहा है, उसमें आत्मा बहुत सुखी बहुत संतुष्ट हो जाती है। जब कोई अपमान करता है या निंदा करता है तो मन उसके विचार थोड़े और सरल हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कुछ करना चाहते हो तो निंदा भी सुननी पड़ेगी, अपमान भी सहना पड़ेगा। मनुष्य के लिए संसार में सबसे कठिन काम होता है अपमान सहना। पत्नी पति का अपमान करती रहे, बच्चा बाप का माँ का अपमान करता रहे, भारी पड़ता है। तो यहाँ बहुत अच्छी विधि बताई है, यदि तुम आत्मिक भाव में स्थित हो जाओगे, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये प्रकृतिकृत है, तो तुम्हारे अंदर अपमान को भी सहने की शक्ति आ जाएगी। और सहने की शक्ति क्या, आपको अपमान अपमान लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के ये भी महावाक्य हैं जो हमने सुने, जिनको देह अभिमान ज़्यादा है उनको ही अपमान की फीलिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ गीता में चौदहवें अध्याय में बहुत अच्छी बातें हैं। आत्मभाव में स्थित होना, एक ही शब्द आया है लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। तो ऐसे भाव में स्थित होने से, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, सभी आत्माएं हैं, आपको अपमान अपमान लगे ना ही नहीं, आप मुस्कुरा के बात को समाप्त कर देंगे। बच्चों पर भी इसका अच्छा असर होगा, जो आपका अपमान कर रहा है वो भी थोड़ा लज्जित होगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट होगा, हार भी होती है। मनुष्य जो आत्मभाव में स्थित है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, परमात्म ज्ञान, जिसके बाद वो परमानंदित होता है और इस विश्व के खेल का भी ज्ञान हो जाता है, तो जानता है जीवन एक खेल है और इस खेल में हार और जीत, सुख दुख सब होंगे। ऋतुएं भी तो बदलती हैं, दिन रात भी तो होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मौसम बदलते हैं, सूरज भी ऊपर चढ़ता है वे नीचे ढलता है, चांद भी कभी पूर्णिमा का देखो कितना आकर्षित करता है तो कभी एक लकीर रह जाती है, ये सब तो हो रहा है ना, यही प्रकृति का नियम है। तो वो सुख दुख को ज़्यादा भारी रूप से नहीं लेता, हम बहुत सुखी थे अब दुख आ गया, हाय भगवान ये तुमने क्या कर दिया हमारे साथ, भगवान कुछ नहीं करता, ये मनुष्य के कर्मों का खेल चलता है। तो जो मनुष्य परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मभाव में आ जाता है, उसको इतना अतींद्रिय सुख मिलता है, इस सुख को हम कहते हैं अतींद्रिय सुख, कि यहाँ के सुख और दुख ये गौण प्रतीत होते हैं, लगते हैं नेग्लिजिबल हैं, कुछ नहीं है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। हार होती है तो वो सामने सीन देखता है, दो पावरफुल टीम खेल रही हैं क्रिकेट का मैच, एक की हार होती है एक की जीत होती है, हार जीत का ही तो खेल है, कभी जीत है कभी हार है, न वो जीत से अहंकार में आता है न हार से निराशा में आता है, दोनों में संभाव हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर आत्मज्ञान है जो इस तरह की अनेक समस्याओं को समाप्त करता है। और जब हम परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे विषय विकार भी नष्ट हो जाते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, क्योंकि उसके स्वरूप में स्थित होने से जो कुछ उसमें है वो हम में आने लगता है, चित्त निर्मल होता है, जो क्रोध आदि है, जो मन की एक मलिनता है, जो मन में एक निगेटिविटी है, मन को भारी करने वाले विचार मन में आते हैं, वो सभी शांत हो जाते हैं। तो इस अध्याय के आधार पर हम अनेक समस्याओं से मुक्त होने के लिए आत्मभाव में स्थित हों, रोज अभ्यास किया करें, उठते ही मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, अपने को ये याद दिलाया करें, और मैं भगवान की संतान हूँ, उसके ही स्वरूप में मुझे स्थित होना है। जब उसके स्वरूप में हम स्थित होंगे तो हमें लगेगा संसार की सर्वस्व प्राप्तियाँ हमें हो गई हैं। ओम शांति।